हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यू आर ब्यूटीफुल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूं। फ्रेंड्स, यदि आपके बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, बाल रूखे सूखे और बेजान हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, और सबसे बड़ी समस्या जो है, यदि आपके बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, तो इन सभी प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए मैं आपके साथ एक बहुत ही आसान नेचुरल होम रेमेडी शेयर करने वाली हूं। आई होप आपको ये बहुत पसंद आएगी। सो फ्रेंड्स, मैं बात करूंगी कि ये रीजन क्या होते हैं कि हमारे बालों में डैंड्रफ की समस्या और रूखे सूखे बेजान बाल किस वजह से होते हैं। तो मैं आज आपको बताती हूं कि जैसे कि फ्रेंड्स, सर्दी ले लीजिए, सर्दियों का मौसम होता है, और सर्दियों के मौसम में हम लोग क्या करते हैं कि ठंडी की वजह से क्या होता है कि पानी पीना हम कम कर देते हैं, जिससे हमारी बॉडी जो है डिहाइड्रेट हो जाती है। या फिर गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि हम पानी तो पीते हैं, लेकिन वो पसीने के थ्रू हमारे बॉडी से पानी जो है आउट होता रहता है, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है डिहाइड्रेट होती रहती है। और डिहाइड्रेट होने की वजह से क्या होता है कि हमारी स्किन जो है ना ड्राई होने लगती है, हमारे होंठ फटने लगते हैं, एड़ियां फटने लगती हैं, बाल हमारे रूखे सूखे बेजान होने लगते हैं। या फिर हम अपने बालों में, दूसरा रीजन बताऊं, या फिर हम अपने बालों में ऑयल को डालना कम कर देते हैं, या फिर हम अपने बालों को जल्दी जल्दी वॉश नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है और हमारे बाल जो है ना रूखे सूखे और बेजान हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी समस्याओं का सॉल्यूशन मैं आज आपको दूंगी। बहुत ही आसान और नेचुरल रेमेडी आपको मैं बताने वाली हूं। और फ्रेंड्स, एक बात और मैं बोलूं आपसे कि जैसे कि आप मार्केट से जो शैम्पूज वगैरह लेके आते हैं, तो आप अपने लिए जो शैम्पू लेते हैं, तो ऐसा शैम्पू लीजिए जो जिसमें मॉइस्चराइजर की मात्रा ज्यादा हो और आपके बालों को मॉइस्चराइज करता रहे, जिससे आपके बाल ड्राई ना हो। और दूसरा मैं बात करूं कि आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट करते रहिए, जैसे कि पानी की मात्रा ज्यादा से ज्यादा लीजिए, यानी कि पानी को ज्यादा से ज्यादा पीजिए, ड्राई फ्रूट्स ज्यादा लीजिए अपने डाइट में, और फ्रूट जूस लीजिए। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा किसी भी सोर्स के थ्रू आप पानी जो है अपनी बॉडी को देते रहे, जिससे आपकी बॉडी जो है हाइड्रेट होती रहे। और हाइड्रेट होने की वजह से क्या है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी रिड्यूस होती रहेंगी। और मैं बात करूं फ्रेंड्स रेमेडी के बारे में, तो बहुत ही आसान रेमेडी है। तो फ्रेंड्स, मैं बात करूंगी कर्ड की। तो फ्रेंड्स, कर्ड जो होता है, यानी कि योगर्ट भी जिसे कहते हैं इंग्लिश में, तो ये जो होता है हमारी बॉडी को मॉइस्चराइज करता है, हमारे हेयर्स को मॉइस्चराइज करता है, हमारी प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी रिड्यूस करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगी आज इस रेमेडी के बारे में, जो बहुत ही आसान रेमेडी है। मैं बात करूंगी कर्ड के बारे में। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है आपका कर्ड। तो फ्रेंड्स, कर्ड को क्या है, कर्ड में आप जानते हैं लैक्टिक एसिड की मात्रा बहुत होती है इसमें, और ये बहुत ही अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए भी, हमारे हेल्थ के लिए भी। तो फ्रेंड्स, जो मैं बताऊं कि दही जो है आपने अपने बालों में किस तरीके से लगाना है, जिससे आपके बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाए, या बाल आपके रूखे सूखे बेजान है वो प्रॉब्लम आपकी रिड्यूस हो जाए, तो ये रेमेडी मैं आज जो बनाऊंगी बहुत ही आसान दो तीन चीजों से बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि ये किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से आपको अपने बालों में लगाना है। तो फ्रेंड्स, आप दही को अपनी डाइट में भी लेना शुरू कर दें, क्योंकि डाइट में लेने से सर्दियों में लें या गर्मियों में लें, वैसे गर्मियों में अगर आप डेली रूटीन में अगर इसको कर्ड को डेली रूटीन में अपनी डाइट में लेंगे, तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है वो बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम को रिड्यूस करेगा, और आपकी बॉडी मॉइस्चराइज होती रहेगी और ठंडक आपको मिलती रहेगी, और आपकी बॉडी एकदम से जो है हेल्दी और ग्लोइंग होगी। तो फ्रेंड्स, बालों की समस्या को दूर करने के लिए मैं बात करूंगी दही की। तो दही जो है आपने किस तरीके से यूज करना है और इसका रेमेडी किस तरीके से आपको बनाना है, तो मैं बताती हूं आपको। आपको ले लेना है अपने बालों के अनुसार दही, यानी कि उतनी ही क्वांटिटी लें जितने आपके बाल बड़े हैं। तो ये मैंने छोटे बालों के अनुसार क्वांटिटी ली है दही की। तो दही आपको ले लेना है, और दही में आपने मिक्स क्या करना है, मैं बात करूंगी मेथी की। यानी कि मेथी, आप सभी जानते हैं मेथी जो होती है हमारे बालों के डैंड्रफ को रिड्यूस करने में, बालों को सिल्की स्मूथ और हेल्दी बनाने में बहुत ही फायदेमंद होती है, और एंटीबैक्टीरियल का काम करती है मेथी। तो फ्रेंड्स, मेथी का आप पाउडर बना लीजिए,
पाउडर बना के आप उसे 1 घंटे के लिए भिगोकर रख दीजिए जब आपने अपने बालों में लगाना हो। तो आपने क्या करना है कि ये मेथी लेनी है, तो मेथी के बहुत सारे फायदे होते हैं फ्रेंड्स, चाहे हम इसे डाइट के रूप में लें चाहे अपने बालों में इसको यूज करें। तो आपने क्या करना है कि जो दही है, दही में आपको ये 2 चम्मच या अपने बालों के अनुसार जो भी आप क्वांटिटी लेना चाहें आप उसको ऐड कर दीजिए। ये देखिएगा मैंने इसमें ऐड कर दिया है इसको, और इसमें ऐड करने के बाद आपने क्या करना है ये मिक्स करके इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए दही में। और या फिर अगर मेथी आप पाउडर नहीं बनाना चाहते तो रात को भिगो दीजिए और सुबह ग्राइंड करके आप कर्ड में मिक्स करके आप उस तरीके से यूज कीजिए। तो ये आपने मिक्स करके क्या करना है आप अपने अपने बालों में अप्लाई कर लेना है, सारे बालों में अप्लाई कर लीजिए। और अप्लाई करने के बाद आप कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए अपने बालों में इसको लगा के छोड़ दीजिएगा। जब आप इसे लगा के छोड़ देंगे तो उससे क्या होगा आपके बालों को मॉइस्चराइज करेगा। दही जो होता है आपके बालों को मॉइस्चराइज करने में बहुत ही फायदेमंद होता है, और आपके बालों के डैंड्रफ को रिड्यूस करने में बहुत ही फायदेमंद होता है, और आपके बालों को सिल्की सॉफ्ट और स्मूथ बनाने में बहुत ही फायदेमंद होता है। तो फ्रेंड्स मैंने भी अपने बालों में आज इसको यूज किया था, तो इससे क्या है कि मेरे बालों में भी थोड़ी सी डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो गई थी तो मैंने उसको यूज किया और मेरी प्रॉब्लम काफी हद तक रिड्यूस हो गई। तो फ्रेंड्स नेचुरल चीजों में जो दम होती है वो आई थिंक सो आप जानते, केमिकल्स जो चीजें मार्केट में आती हैं उनमें इतनी दम नहीं होती जितनी नेचुरल चीजों में ताकत होती है सभी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने की। तो फ्रेंड्स ये आपको 1-1.5 घंटे के लिए बालों में लगाकर और बालों को ऐसे ही वॉश कर देना है। लेकिन वॉश कर बालों में इसे लगाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपने बाल अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद अपने बालों में इसे अप्लाई कीजिए, और अप्लाई करने के बाद 1-1.5 घंटे तक इसको लगा के रखिए। और लगाने के बाद जब भी आप अपने बालों में ऑयल लगाएं, और ऑयल लगा के मतलब जब भी आपका मन करे तब ऑयल लगा के कोई भी जो भी आपको सूट करता हो और उसको लगा के अपने बालों को वॉश कर दीजिए किसी अच्छे शैम्पू से। तो उसे इसे रेगुलरिटी में आप जब यूज करेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो भी बालों से संबंधित है वो सभी प्रॉब्लम्स रिड्यूस हो जाएंगी। और फ्रेंड्स आप सप्ताह में इसे 1 बार यूज करें या सप्ताह में 2 बार यूज करें, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो सप्ताह में आप 2 बार इसको यूज करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। और फ्रेंड्स एक चीज और मैं आपको बता देती हूं वो ये कि यदि आपके पास नेचुरल प्लांट यानी कि एलोवेरा का नेचुरल प्लांट है तो आप एलोवेरा लेकर उसे ग्राइंड कर लीजिए, और ग्राइंड करने के बाद आप तीसरा इसमें मिक्स करके यानी तीसरा इंग्रेडिएंट आप इसमें मिक्स करके भी अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि एलोवेरा अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, अगर आपके पास भी अवेलेबल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इन दोनों चीजों को मिक्स करके अपने बालों पर डेली रूटीन में लगाएंगे या फिर सप्ताह में 2 बार लगाएंगे तो आपके बालों की जो भी समस्याएं हैं, बालों का टूटना झड़ना रूखा सूखा बेजान या बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है एकदम से रिड्यूस हो जाएगी। बिलीव मी फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है, बहुत ही नेचुरल, बहुत ही फायदेमंद रेमेडी है। तो आप प्लीज इसे 1 बार जरूर यूज करके देखिएगा। यदि आपको फायदा मिले इससे तो आप मुझे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। यदि आप बेल आइकन दबाएंगे तो मेरे आने वाले वीडियोज का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं तक, आप खुश रहिए, मस्त रहिए और इसी तरीके से अपना ख्याल रखिए। और इसी वीडियो के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा और मिलती हूँ अगले वीडियो में। ओके फ्रेंड्स बाय, टेक केयर।